आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, डाउटनेट में आपका स्वागत है। प्रश्न है, शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है। इस प्रश्न के लिए दिए गए विकल्प हैं, विकल्प एक पाठ योजना तैयार करना और उसके अनुसार पढ़ाना, विकल्प दो है यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन करना, विकल्प तीन है कठोर अनुष्ठान बनाए रखना, यहाँ पर अनुष्ठान किस गए अनुशासन आएगा, और विकल्प चार है विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर जो अधिगम शब्द है इसका अर्थ है सीखना, तो सीखने का शैलियां अर्थात सीखने की क्षमता ऐसी है। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षक की मुख्य जिम्मेदारी विद्यार्थियों की विभिन्न सीखने की क्षमता अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना। यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है वह विकल्प चार से मिलान करता है, तो प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा विकल्प चार। अन्य विकल्प गलत है। विकल्प एक गलत इसीलिए है क्योंकि सीखने की क्षमता सभी के समान नहीं रहती है और पाठ योजना तैयार करके शिक्षक उन्हीं के अनुसार पढ़ाएगा तो सभी को पढ़ने में कठिनाई होगी क्योंकि सभी की क्षमता समान नहीं रहती या समान नहीं होती है, जिसके कारण शिक्षक तो पढ़ा देगा लेकिन बच्चों की समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर दूसरा विकल्प गलत है क्योंकि यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन करने के कारण बच्चे सीखने की प्रक्रिया पर उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर क्रियाकलापों का अर्थ है परीक्षा से। और विकल्प तीन गलत इसीलिए क्योंकि कठोर अनुष्ठान अर्थात अनुशासन बनाए रखने के कारण बच्चे डर के कारण या उन्हें वह वातावरण नहीं मिल पाएगा जिसके कारण उनकी अधिगम शैली है उसका विकास हो सके, इसीलिए यहाँ पर तो सही उत्तर है वह विकल्प चार, अन्य विकल्प गलत है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।